अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल अपने मोबाइल फोन से। सऊदी वजारत हज उम्र ने रवां साल अंदरून ममलिकत से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए हज पैकेज के लिए 3 जुमरे मुतारिफ कराए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मीना टावर में रिहाइश का इंतखाब करने वालों के लिए सबसे महंगा मीना पैकेज रखा गया है। फीकस 14,737 रियाल लिए जाएंगे। इस पैकेज का इंतखाब करने वाले आजमीन के लिए मीना में क़याम के दौरान नाश्ता, लंच, डिनर का इंतज़ाम होगा। मशरूबात भी मुहैया किए जाएंगे। अरफात में मशरूबात के साथ साथ लंच बूफे का इंतज़ाम होगा। सोने के लिए सोफ़ा कम बेड जबकि ज़मीन पर बिस्तर भी मुहैया होगा। डिनर में खुश्क खुराक फराहम की जाएगी। ओपन इंटरनेट की सहूलत, क्लिनिक का इंतज़ाम, मजहबी गाइड और सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। दूसरे पैकेज जियाफा 1 के तहत एडवांस खेमों में रिहाइश का इंतज़ाम होगा। आजमीन को आमदोरफ्त और ईद के दिनों में मशायर मुकद्दसा ट्रेन के ज़रिए सफ़र की सहूलत होगी। मीना में क़याम का इंतज़ाम मक्का की किसी रिहायशी इमारत में किया जाएगा। मीना में नाश्ते, लंच और डिनर में बूफे का अहतमाम होगा। खुश्क और हल्की खुराक का भी इंतज़ाम किया जाएगा। मैदान अरफात में लंच, बूफे और मशरूबात का इंतज़ाम होगा। सोफ़ा कम बेड और ज़मीनी बिस्तर मुहैया होगा। मुज़दलिफा में फर्शी बिस्तर मिलेगा और मशरूबात और खुश्क खुराक का इंतज़ाम किया जाएगा। ओपन इंटरनेट, क्लिनिक का इंतज़ाम, मजहबी गाइड और सिक्योरिटी गार्ड्स हमरा होंगे। मशायर मुकद्दसा में बसों या ट्रेन के ज़रिए आमदोरफ्त की सहूलत होगी। तीसरा पैकेज जियाफा 2 के नाम से मुतारिफ कराया गया है। आम खेमों के इस पैकेज की कीमत 10,238 रियाल है। वैल्यू एडिड टैक्स अलग से होगा। जियाफा 2 पैकेज के तहत आम खेमों में रिहाइश का इंतज़ाम होगा। आजमीन को मशायर मुकद्दसा ट्रेन या बस के ज़रिए सफ़र की सहूलत होगी। मीना में खेमों में रिहाइश का इंतज़ाम होगा। नाश्ते, लंच और डिनर में बूफे का इंतज़ाम होगा। अरफात में सोफ़ा कम बेड के अलावा ज़मीनी बिस्तर की सहूलत भी होगी। लंच, बूफे और मशरूबात की सहूलत भी दी जाएगी। ओपन इंटरनेट की सहूलत, क्लिनिक का इंतज़ाम, मजहबी गाइड और सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। वजारत हज उम्र के मुताबिक तीनों हज पैकेज में हज्जाज सिटी से मक्का मुकरमा पहुँचने का किराया शामिल नहीं। ट्रांसपोर्ट का किराया और वैल्यू एडिड टैक्स अलग से लिया जाएगा।